हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सिद्धार्थ सोलंकी, आई डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के। आप देख रहे हो कि एएलपी की वैकेंसियाँ भी काफ़ी 18,000 के समथिंग हो गई हैं और टेक्नीशियन की भी 3,000 हो गई हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको जाने नहीं देनी। जनरल साइंस में टेक्नीशियंस में 40 नंबर का वेटेज है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है, और जनरल साइंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो परीक्षा हो रही हैं उसका संग्रह मैंने यहाँ पर ये कोशिश की है। और ये तो केवल मैंने जो ग्रुप डी के जो पेपर हुए थे उसमें जनरल साइंस, क्योंकि रेलवे में क्या होता है जनरल साइंस ज़्यादा रिपीटेड होती है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आएंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखो, एलिमेंट वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, एलिमेंट किसकी क्लासेस पे यार की थे? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज पे। आपको मालूम है तभी हमारी जो पीरियडिक टेबल जो फॉर्म हुई थी वो इसी पे हुई थी कि पीरियडिक टेबल और केमिकल प्रॉपर्टीज जिनका बिहेवियर, फिर उसको ग्रुप वाइज हमने क्या किया था, अरेंज किया था। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे पूछा है व्हेन ए ऑब्जेक्ट एस प्लेस है 60 सेंटीमीटर और कौन के मेरा फोकल लेंथ 30 की दी, तो मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या है, हमसे बोला है लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस में क्या होता है, लेंस बराबर क्या होता है, बी अपॉन यू होता है। ठीक है, पहली बात तो बी अपॉन यू होता है। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या दी है हमको, 60 सेंटीमीटर दे रखी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और फोकल लेंथ हमको क्या दे रखी है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमको दे रखी है 60। ठीक है, तो हमको वी निकालने की जरूरत पड़ेगी, वी निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब आपको मालूम है कि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव होती है, यू हमारा क्या होता है, ये भी नेगेटिव रहता है। ठीक है, कॉनकेव में, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, इसलिए। अब हमारा लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ वन माइनस सी वी माइनस वन अपॉन यू होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बटे थ्री जो कि माइनस का है, और इसको तो वन अपॉन बी रखेंगे, और यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है, तो एक बटे साठ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, अब ये क्या करेंगे, एक बटे तीस और ये क्या हो जाएगा माइनस का, एक बटे साठ हो जाएगा। ठीक है, एक बटे बी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साठ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, तीस दूनी साठ दो आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साठ एकम साठ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक बटे साठ हो जाएगा। ठीक है, एक बटे बी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बी की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, बी की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी मेरे पास, साठ बटे तीन, साठ बटे तीन का मतलब है बीस, वो भी नेगेटिव की। ठीक है, ये भी नेगेटिव की। ठीक है, वी की वैल्यू आ गई। अब मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए क्या करूँगा, माइनस का वी है तो माइनस का बीस रखूंगा, यू भी मेरा माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस से कट ही जाएगा, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो एक बटे तीन हो जाएगा। एक बटे तीन यानी कि आपको मालूम है कि पॉजिटिव आएगी, वो भी 0.33, क्योंकि इरेशनल हो जाता है यहाँ से। ठीक है भाई, एक बटे तीन को अगर मैं यहाँ से करूँगा, अगर इसको करूँगा तो पॉइंट क्या करूँगा, 0.339 होता है। ठीक है, वन फिर तीन तरह नौ, इस तरीके से चलेगा, तो हमारा पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट में कहीं भी गलती करनी नहीं है। जहाँ नेगेटिव है तो इनको नेगेटिव ही लेना है, वरना आपको देखो नेगेटिव दोनों आंसर हैं, देखो नेगेटिव में भी पॉजिटिव में, एक चूक से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैग्निफिकेशन और ये क्या लेंस का फॉर्मूला है, अगर मिरर का फॉर्मूला होता तो ऑलरेडी माइनस का बी अपॉन यू होता है यहाँ पर, क्योंकि लेंस के बाद अपने पास नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होती इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा लेंस का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला लगा रहा है ये क्या होता है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, विच टाइप ऑफ द रिएक्शन, देखो आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या होता है हमारा क्लोरीन, हमारा नॉन मेटल है, यहाँ पर क्या है, ये मेटल है, सोडियम है। अब ये क्या होगा, AgNO3 है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया AgCl, वैसे ये प्रेसिपिटेट ये फॉर्म कर रहा है, ये प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में फॉर्म कर रहा है। अब क्या कर रहा है NO, अब ये क्या कर रहा है AgCl है, यानी कि ये क्या हो गया, अब आपको मालूम है कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव, तो हमारा ये क्या होगा, ये यहाँ से स्थान निकल, और सोडियम भी क्या कर रहा है NaNO3, तो हमारा क्या दो मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई जाती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो कुछ नहीं है, जैसे दो रिएक्टेंट हैं एक बना देते हैं ए बी, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी कंबशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो वो क्या करते हैं उसको डीकम्पोजिशन को तोड़ देते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, सिंगल डिस्प्लेस, अगर दो एलिमेंट आपके क्या हो रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखो सोडियम और क्लोराइड दोनों ही हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्म हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी कराए हैं। वन ऑफ रीजन वाई मेंडल सक्सेसफुली डिस्कवरिंग लो गवर्निंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, आपको मालूम है इनहेरिटेंस ट्रेड जो किया था, एक तो F1 प्रोगेनी दिया था, इन्होंने क्या किया था, जैसे ये लिया, इन्होंने क्या किया, ये क्या लिया,
टी टी लिया और यहाँ पर टी और छोटा टी लिया, तो अगर टी और टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी टी हो जाएगा। टी और इसके स्मॉल टी के साथ भी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी टी आएगा, यहाँ पर स्मॉल टी आएगा, सॉरी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, टी और टी के साथ एक और करेंगे तो ये क्या आएगा, टॉलर इसको डोमिनेट करेगा तो ये टी टी आएगा, और एक ही ट्रेट बनता है स्मॉल स्मॉल को, ये टी टी से करेंगे। तो 3:3 में इस तरीके से करा था। अब इन्होंने बोला है कि जो सक्सेसफुल क्यों हुए थे ये गवर्निंग इनहेरिटेंस कैरेक्टर निकालने के लिए, इनहेरिटेंस कैरेक्टर निकालने के लिए सक्सेस इसलिए हो गए थे क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये न्यूमेरिकली काउंट करे थे प्रोगेनी को इन्होंने। He kept numerically count of the progeny. His knowledge of evolutionary process नहीं, he used plant instead of animal. अरे प्लांट का ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेंड दैट साइंटिफिक मेथड। इन्होंने न्यूमेरिकली काउंट करके देखा था कि ये जो गवर्निंग हो रही है इनहेरिटेंस को इस वजह से। ठीक है, विच ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज हाइजेस्ट बॉलिंग पॉइंट। देखो क्या होता है, हाइजेस्ट बॉलिंग पॉइंट क्या हो, NaCl का तो लो बॉलिंग पॉइंट होता है, याद रखना है। इसका क्या होता है, लो बॉलिंग पॉइंट होता है, और ठीक है इसका लो बॉलिंग पॉइंट होता है। कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है, आपका हाइजेस्ट होता है। आयनिक कंपाउंड एक्चुअल में होते क्या है, आयनिक कंपाउंड वो होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच जो रिएक्शन करते हैं वो हमारे होते हैं, जैसे NaCl है, ये हमारा नॉन मेटल है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का क्या हाइजेस्ट बॉलिंग पॉइंट है, हाइजेस्ट बॉलिंग पॉइंट है, NaCl का लोएस्ट होता है, याद रखना। कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, हाइजेस्ट बॉलिंग पॉइंट होगा। हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर ए सर्किट है, इसके पास 3 रजिस्टर दे रखे हैं, ठीक है, 10, 20, 30 कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, एक सेल से जो रखे हैं, द इफेक्टिव रजिस्टेंस एंड करंट इन द 20 रजिस्टर्स में निकालना है। पहले तो एक काम करते हैं, कनेक्टेड ये पैरेलल में किया हुआ है, और इफेक्टिव रजिस्टेंस निकालना है पहले। तो इफेक्टिव रजिस्टेंस निकालने के लिए क्या बनेंगे, देखो पैरेलल में क्या होता है, 1/30, 1/20 और 1/30। ठीक है, हमने क्या लिया, 60 ले लिया, तो 10 × 6 = 60, 20 × 3 = 60, 3 × 2 = 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6×3 = 9, 2 = 11/60, और ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट के होता है, यानी कि इक्विवेलेंट मान सकते इफेक्टिव में। तो इसको क्या बोलेंगे, 60/11, 60/11, तो क्या आ गया, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, 60/11, 60/11 तो 2 है, यानी कि ये क्वेश्चन ये वाला 2 ऑप्शन गलत है, 1 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है करंट इन द 20 रजिस्टेंस में निकालने, तो V=IR होता है, V=IR, तो वी की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने क्या देखी है, 220 दे रखी है। ठीक है, आई निकालना है, और हमको किस में निकालना है, 20 वाले में, तो 20 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कि आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी और आई हमको निकालना है, करंट निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 2 × 2, तो आई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 11 आ जाएगी। ठीक है, 11 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर इसलिए लगा है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि 20 रेजिस्टेंस में पूछा है, 30 रेजिस्टेंस में पूछा है, उसी हिसाब से हम निकालेंगे। क्या कह रहा है हमसे, डबलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, इफ सच डबलेट इज मेड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ आपको ये दे रखी है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपको क्या रखी है, 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव होती है, एंड कॉनकेव लेंस, अब ये क्या हुआ, कॉनकेव लेंस को क्या किया इन्होंने, इसकी कॉनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ दे रखी है, कॉनकेव की आपकी होती है निगेटिव। ठीक है, द इफेक्टिव फोकल लेंथ, देखो इफेक्टिव फोकल लेंथ में क्या हो रहा है, देखो ये क्या होगा, फोकल लेंथ इफेक्टिव यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, और द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ डबलेट दो रिस्पेक्टिवली, तो क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, पावर बराबर तो क्या होता है, 1/F होता है, अब इनको क्या पहले कॉम्बिनेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आपका जुड़ जाएगा, 20 और 20 40 हो गया इस तरीके से, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये कॉनकेव और कॉन्वेक को दोनों को मिला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमसे क्या चाहिए, हमको पहले तो हमको फोकल लेंथ चाहिए, रुको ऐसे नहीं आएगा, रुको फोकल लेंथ को ऐसे थोड़ी जुड़ेंगे, सिंपल 1/F 1/F के साथ जुड़ेंगे ना, 1/F + 1/F ऐसे कॉम्बिनेशन में जुड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/20 + 1/20, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा 20 और 20 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, पर लेकिन एक तो हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो हमारे पास 0 बच जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। देखो कर तो हम सही रहे हैं, कुछ ना कुछ एक काम करते हैं, दोबारा करते हैं, ठीक है, देखो माइनस की जगह माइनस रखेंगे, प्लस की जगह प्लस रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ तो ऐसी निकलेगी, 1/F = 1/F, ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं 1/F और माइनस का ये तो प्लस है ऑलरेडी, एक तो मतलब कॉम्बिनेशन करेंगे 1/F2, ठीक है। अब क्या रखेंगे, 1/20 रखेंगे हम, और ये क्या रखेंगे, 1 की जगह हम क्या रखेंगे, जैसे ये नेगेटिव है,
यानी कॉनकेव वाला एक हमारा नेगेटिव रहेगा। 20 और 50 है यार, तभी तो बोलूँ कि कोई 20 और 50 की वैल्यू ही अलग रखी है। अभी तो बोला हाँ कॉनकेव की है ना नेगेटिव, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हुआ, हमने क्या किया, ये नेगेटिव है ठीक है। अब ये क्या हुआ हमारा, ये रख दिया हमारा ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसकी, और ये ऑलरेडी हमारा क्या हुआ 1/50, ये की हमारी नेगेटिव है ठीक है। हमने ये रखा, अब हमने क्या लिखा, एलसीएम ले लिया हमने 100, 20 × 5 = 100 ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव है हमारा। तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे 50 × 100 ठीक है, 50 × 100 तो ये क्या हो जाएगा 30/3/100 ठीक है। 3/100 क्या हो जाएगा हमारा, अब ये क्या हो रहा है हमारा, हाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से फोकल लेंथ हमारे पास क्या आएगी, तो एफ की बात करेंगे तो ये क्या आएगी 100/3, 100/3 आपको मालूम है 33.33 क्योंकि इरेशनल हो जाता है। अब हमसे पूछ रहे, पहली बात तो एक ही ऑप्शन है इसमें, तो इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना है। जब भी आपको पावर निकालना है, पावर निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे जैसे पावर है तो एफ की वैल्यू तो आपकी 33 सेंटीमीटर में आ रही है ठीक है, 33 ही मान लो लगभग भी, अगर आप करोगे 33 है ठीक है। अब क्या करेंगे 33, और ये क्या करेगा, क्योंकि पावर होती है वो डायोप्टर में होती है, तो इसको 33 डिवाइड करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे 33 से, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा तो लगभग 3 के करीब पहुंच जाएगा, 33 या 99 समथिंग कुछ कह रहा था ना, 99 हो जाएगा ठीक है, 3×9 तो ये क्या हो जाएगा 3 डायोप्टर की इस तरीके से आ जाएगी ठीक है। वैसे तो एक ही ऑप्शन में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इन ए इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द आर्म्स द कॉयल विल बी, तो ये क्या होती है, जो कॉयल होती है वो क्या होती है अपोजिट वो में होती है, क्या होता है ये स्लिप रिंग से यहाँ पर इस तरीके से बनी रहती है एन और एस ठीक है, यहाँ पर ये लगी रहते हैं रोटेटर ये जो है, तो ये जो दो होते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जो काम जो आता है इसमें, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब भी आपकी बात आए तो इलेक्ट्रिक मोटर की बात होगी, पहली बात तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जब भी बात आए तो, और जनरेटर की बात होगी तो क्या आएगी राइट हैंड रूल आएगा ठीक है। और इसमें क्या बोला है, जो कॉइल्स जो रहती हैं वो कैसी रहती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रहती हैं, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मालूम है कि दो आपके रिएक्टेंट हैं वो किस में बन जाएंगे, ए बी, एक तरीके से ए बी बन जाएंगे, यानी कि दो एक सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो रहा है, ए सिंगल रिएक्टेंट चेंज इन टू द सिंगल, नहीं फिर तो कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ, सिंगल का सिंगल मतलब ए अगर ए चीज हो जाएगी तो पॉसिबल ही नहीं है। ओनली टू एलिमेंट रिएक्ट टू द, ऐसा नहीं है कि अगर ओनली कॉम्बिनेशन में, क्या कॉम्बिनेशन होंगी, ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा, ये तो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, टू और टू मोर रिएक्टेंट, ये क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे जब एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो हमारी कहलाई जाएगी। ओनली टू प्रोडक्ट आर फॉर्म, अरे टू प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे, सिंगल रिएक्टेंट टू भी चेंज, सिंगल रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा, तो हर ऑप्शन गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, किससे, फ्रॉम टू और टू मोर रिएक्टेंट से। ये देख लो आप यहाँ पर क्या हो गया, ए बी, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो ए बी बन जाएगा, जैसे एम जी ओ है तो एम जी ओ हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए हो गया उधर ठीक है। विच मिनरल और डिपोजिट फॉर्म ए डिकम्पोजिशन वाइडली वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच एल्युमिनियम सिलिकेट, देखो आपको ये पूछ रहा है कि एल्युमिनियम का जो मिनरल है डिपोजिट है ओर किसको कहा जाता है, तो एल्युमिनियम का जो ओर होता है वो उसको बोलते हैं बक्साइट, किसको बोलते हैं एल्युमिनियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं बक्साइट ठीक है। ऐसे याद रख लो एल्युमिनियम का क्या बनता है, बक्सा बनता है, इस तरीके से याद रखा था मैंने। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कंडक्टर ऑफ डिक्रीज एज द, मतलब ये क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वह करंट कैरिंग कंडक्टर डिक्रीज एज द इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेंगे, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा बी इज इक्वल टू म्यू आई 2πr है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे r को अगर इंक्रीज करेंगे, r को इंक्रीज करेंगे तो हमारा, यानी कि डिस्टेंस को अगर हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, सपोज दैट अगर हमको इसको इंक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा करंट हमारा क्या डिक्रीज हो जाएगा। अब हमसे बोला है डिक्रीज किसको करना चाहिए, तो हमारा इंक्रीज हो, तो हमसे बोला है कि अगर मैं इसको आर यानी कि ये डिस्टेंस को क्या करूंगा मैं डिक्रीज करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा करंट क्या हो जाएगा मेरे पास इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस से, इस वजह से क्या हो जाएगा डिस्टेंस को क्या करूंगा मैं डिक्रीज करूंगा एस इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरेक्टर करंट में जो डिक्रीज हो जाएगी, कैसे डिक्रीज हो जाएगी वो पूछ रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर में डिक्रीज करना है मुझे, करंट कैरिंग डिक्रीज, अगर मेरे करंट को डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा
क्या करूंगा यहां पर, ये क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा यहां पर डिक्रीज एज द स्कोप, इसको क्या करूंगा मैं, आर जो डिस्टेंस है उसको क्या करूंगा मैं डिक्रीज करूंगा, इसलिए तो मेरा ये इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, जैसे अरे ये तो आपको इसी सीधी मालूम है कि बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है और बी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ठीक है। तो अपन डिस्टेंस को कम करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, फील्ड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी बिली इज प्रेजेंट, देखो बिली जो प्रेजेंट रहती है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट क्यों रहती है ये बिली, देखो इसमें क्या होता है, इस बिली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी को असेंशियल होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर इज कॉल्ड द काइम प्रोड्यूस इन स्टोमक फ्रॉम द फूड वी ईट, जिससे हम खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो उसको क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। बिली आपको पूछेगा बिली कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिली आपको कहाँ पर मिलेगी, इस तरीके का रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, लीवर में नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कौन के मिला, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कहाँ पर मिलेगा, आपको ये देखो फ्रंट ऑफ द मिरर है ना, फ्रंट ऑफ द मिरर मिलेगा, सीधे अबव द मिरर, यानी कि कभी ऐसे आपने देखा है कभी कोई इमेज बनाई नहीं बनाई होगी, तो बिलो द, अगर आपको ऐसे रखना है तो बिलो अबव द हैंड द, ऐसा नहीं है, तो फ्रंट ऑफ द मिरर जब रखते हैं तो हमको सेंटर ऑफ, ये पोल है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और याद रखना एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा रहा है ये वाला केस के, जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम साइज की इमेज मिलेगी, ठीक है, क्योंकि फोकस से, सॉरी फोकस से होके गुजरना चाहिए, ये थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने क्या किया ये है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फोकस से होके हो जाएगा। अब कोई दूसरी लाइन भी आप है ना कहीं से भी डाल लो, कहीं से भी डालोगे ना आप, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आपने दूसरा भी डाला तो ये क्या हो जाएगा, फोकस से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो मिल रहा है ना, मैंने बनाया नहीं है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलता है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, सेम साइज इमेज फॉर्मेट होती है इसमें, याद रखना, ठीक है। बस एक ही का एक केस बनता है वर्चुअल का, वर्चुअल का केस बनेगा फोकस और प्लेन के बीच में, जब भी यहाँ ऑब्जेक्ट हो रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कहाँ से जाएगी हमारा कुछ नहीं पता, तो ये क्या होता है वर्चुअल का एक केसेस बनता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल कैन बी लिंक्ड विथ रिलेटिव प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, तो ये आपको मालूम कि स्पीड के ऊपर डिपेंड कर देगा, क्योंकि ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एन से हमने डिवोट किया, सी अपॉन बी होता है, सी तो ये क्या स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी कोई स्पीड है, तो हमारे पास क्या स्पीड पर डिपेंड कर रहा है सी और बी, यानी कि ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज करेंगे, और वैक्यूम में क्या होता है एन की जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इसकी वैक्यूम, यानी कि एयर मान सकते हैं उसकी वन होती है, एब्सोल्यूट वन बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्पीड पर डिपेंड, वैसे भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा क्योंकि स्पीड है, क्योंकि किस मीडियम से किस में ट्रांसफर कर रही है उसकी क्या स्पीड है, एयर में ट्रांसफर कर रही है या और किसी मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर कर रही है, वैक्यूम में ट्रांसफर कर रही है, इस वजह से स्पीड से रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे वाटर का आपको याद होना चाहिए 1.33, ये बहुत पूछा जाता है, इथोनल का याद होना चाहिए, अल्कोहल का 1.36 है, ठीक है, और डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है लगभग, डायमंड का 2.24 है, याद रखना डायमंड का तो पूछ ली भी जाता है बहुत बार 2.24 है, ठीक है। एयर का क्या होता है 1.0029 है, याद रखना बहुत बार बिल्कुल एक्सैक्ट वैल्यू भी तक पूछे गए हैं, ठीक है, कुछ तो याद रखने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑफ द रिडक्शन, रिडक्शन देखो रिडक्शन में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में क्या कहती है, रिएडॉक्स में क्या है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन में क्या हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा लॉस ऑफ इनके इनकरेक्ट बने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, सीधे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस गेनिंग ऑक्सीजन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन। रिडक्स इज द प्रोसेस लूजिंग ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या रेसिप्रोकल चलता है, इसलिए इनकरेक्ट बोला है, किसमें से इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड वेसल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपने क्या करता है, देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है फॉल्स है, तब प्रेशर इज मच ग्रेटर इन वीन्स देन आर्टरीज, ऐसा नहीं है, प्रेशर इज मेजर्ड बाय द स्पेनोगोनोमीटर, ये तो सबको पता ही है, प्रेशर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सायटोलिक और रिलैक्सेशन डायसायटोलिक, जब हमारा क्या रिलैक्सेशन होता है डायसायटोलिक होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है सायटोलिक होता है, और जो 120 mm जो नापते हैं एच जी जो मरकरी है, तो 180 से इसमें
120 से 80 के बीच में हम इसको क्या होते हैं नॉर्मल इसको ही रेट करते हैं। इसमें क्या कहता है, ये बोला है कि प्रेशर इज मच ग्रेटर इन बीन्स, नहीं प्रेशर बीन्स में ग्रेटर नहीं होता है याद रखना, और देन आर्टरीज ऐसा नहीं होता है ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस रिएक्टिव देन सिल्वर, देखो आपको क्या है तो AU है यानी कि आपका क्या है गोल्ड, इसको क्या बोलते हैं गोल्ड है, गोल्ड क्या है गोल्ड भी क्या होता है बहुत कम रिएक्टिव है देन सिल्वर से, सिल्वर और गोल्ड में पूछ ले तो आपको ये तो जो रिएक्टिविटी की सीरीज है वो तो आपको पता ही होना चाहिए काफी। हमसे पूछ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म द वजीना ऑफ फीमेल वेट द फर्टिलाइजर हमारा कहाँ पर होता है फ्लोपियन ट्यूब में होता है, कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्लोपियन ट्यूब में होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है हमारा फर्टिलाइजेशन क्या है जो स्पर्म ह्यूमन का जो है एंटर करता है तभी क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है ठीक है। तो एग इज कैरियड फ्रॉम द ओवरी टू द वर्म थ्रू द ओविडक्ट थिन ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट की थ्रू भी बोल सकते हैं कि मतलब एग जो कैरियड होता है वर्म के तो ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। द टू ओविडक्ट यूनिट इनटू द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन द यूट्रस, दो ओविडक्ट होती है हमारी एक तरीके ये फ्लोपियन ट्यूब है देखो दो ओविडक्ट होती है बैग लाइक स्ट्रक्चर बनना है तो इसको बोलते हैं यूट्रस यूट्रस ठीक है, ये हो गया हमारा यूट्रस ठीक है। यूट्रस ओपन इन द वजीना थ्रू द सर्विक्स, अब यूट्रस कैसे ओपन होता है वजीना थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स होती है हमारी तो उसके थ्रू ओपन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एसिडिटी द फंक्शन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड थ्रू द यूरिन इज द यूटेरस ठीक है यूटर्स। द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट पार्टिसिपेट प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट, आपको क्या बोल रहा है आउटपुट में क्या मिल रहा है वन प्रोडक्ट मिल रहा है, वन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा आप बोलेंगे तो दो रिएक्टेंट है आपके पास ए और बी तो आपको क्या मिल रहा है ए और बी कॉम्बिनेशन करके मिल रहा है तो वन प्रोडक्ट इसको क्या बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। इससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई साहब ALP में इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं टेक्निशियन वाले याद रखें। बिच ऑफ द टू एलिमेंट भी पोटेंट सोलर न्यूलैंड कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल को एक ही में रख दिया था ठीक है 56 एलिमेंट मिले थे न्यूलैंड ऑक्टेव में याद रखना होता है ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेयर कैन यू फाइंड द टाइप ऑफ सेल शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो कहां पर मिलेगा ये जो मिलेगा लीव्स एंड शूट्स में, लीव्स और शूट्स में आपको क्या मिलेगा इस तरीके का फिगर आपको मिलेगा याद रखना डायग्राम से भी सीधे एनसीईआरटी से इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये फिगर किसका है लीव्स एंड रूट्स का है ये ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इन इलेक्ट्रिक सर्किट 4 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सेल ठीक है कोई दिक्कत वाली नहीं है। दीज आर नाउ डिसकनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू बैक इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सेल द रेशो ऑफ करंट सीरीज और पैरेलल का वो पूछा। देखो सीरीज में आपको मालूम है कि इफेक्टिव क्या हो जाता है ये क्या हुआ 4 इक्वल रजिस्टर्स आपको कनेक्ट करें माना कि एक ओम के मान लिए RRR तो आपके क्या हो जाएंगे 4 हो गए आपके ठीक है 4R हो गए ठीक है। अब यही क्या किया इन्होंने ये डिस्कनेक्ट को पैरेलल में बोल दिया यानी कि RR के आपके क्या हो गए 1, 2, 3 क्योंकि सेम की बोला है उसने ये है तो हमने क्या किया R हमने ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट है तो ये कहेगा R upon 4 हो गया ठीक है R upon 4 हो गया। हमसे पूछा है कि सीरीज और पैरेलल पैरेलल में क्या होता है हमारा रेशो बताओ ठीक है ये तो ये कट जाएगा हमारा ठीक है रेशो ऑफ करंट ठीक है द रेशो ऑफ सीरीज टू द करंट इन द ईच रजिस्टर इन पैरेलल सर्किट ठीक है। पैरेलल सर्किट में हमारा क्या आएगा 4R होगा ये 4R क्योंकि अगर इससे मैं करूंगा तो R से ऐड कर जाएगा 1 हो जाएगा मेरा या मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इसी का जस्ट अपोजिट ही तो हो जाएगा वो 4R तो 16 होना चाहिए 16:1 नहीं तो इसमें हमने गड़बड़ क्या कर दी कहीं ना कहीं। देखो ऐसे आएगा तो 16:1 भी ऑप्शन में भी है ये भी है चलो दोबारा करके देखते हैं। देखो आंसर तो यही है 4:1 मैंने पहले भी कर रखा था। देखो हमने मान लिया सपोज दोबारा से कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर है ना कोई सीरीज में अगर हमारी कोई रेजिस्टेंस जुड़ी है हमारे पास ये क्या हुआ ये सीरीज होती है ठीक है 1, 2, 3, 1, 4 हमने इस तरीके से बना ली ठीक है। यहाँ पर क्या कह लिया इलेक्ट्रिक सर्किट 4 इक्वल रजिस्टर्स हैं यानी कि R इस तरीके से हमने क्या बोली 4 हैं तो अगर इसका इक्विवेलेंट सीरीज में निकालेंगे तो 4R होगा। अगर इसी का हम करेंगे पैरेलल में निकालेंगे यही क्या हुआ नाउ डिसकनेक्ट एंड कनेक्टेड बैक इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सेल के थ्रू निकाल रहे हैं ठीक है। तो करंट का रेशो पूछ रहा है द रेशो ऑफ करंट इन द सीरीज ठीक है
रुको रुको, अभी इसलिए इसलिए गलती कर रहे हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा तो ये तो वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर आर ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर से आर के तो फोर आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा क्या आएगा, आर अपॉन फोर हो जाएगा, आर अपॉन फोर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अब हमसे पूछा है रेशो ऑफ करंट का पूछ रहा है सीरीज में टू द करंट ऑफ द रेजिस्टर। अभी हम क्या रेजिस्टर निकलेंगे, तो वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। तो ये क्या है, वी हमारे पास तो जो भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आर हमने ले, तो करंट का रेशो हम क्या निकालेंगे, आई से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसकी जगह पर रजिस्टर क्या लिखेंगे, फोर आर लिख देंगे, ठीक है। पहले हम इसी पर निकाल लेते हैं सीरीज के लिए, सीरीज के लिए क्या कहेंगे, वी हमारा कॉन्स्टेंट मान लो या वैल्यू कुछ भी रख लो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, फोर आर, ठीक है। अब इसी से हमको क्या रेशो निकालना है, पैरेलल का, पैरेलल का निकालेंगे तो बी की तो वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर की रजिस्टर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर बाई फोर रख देंगे हम, ठीक है, आर बाई फोर रखेंगे, आर बाई फोर रखेंगे तो फोर बी हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फोर बी अपॉन आर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है वी अपॉन मतलब ये हो जाएगा मेरा ये, ठीक है, सीरीज, सीरीज के साथ करूँगा मैं, सीरीज सीरीज को पहले लिखना है, बी अपॉन फोर आर रेशो फोर वी अपॉन आर, ठीक है, फोर अपॉन वी, ये तो ये कट जाएगा मेरा, ठीक है, आर से आर कट जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, वन रेशो सोलह हो रहा है यार इसका आंसर तो, कहीं ना कहीं वन रेशो फोर, क्योंकि अगर इससे अगर प्रोडक्ट करूंगा तो एक बटे सोलह हो रहा है फिर इस हिसाब से, तो क्योंकि वी अपॉन आर है, अगर रेसिप्रोकल भी करेंगे तभी, क्योंकि हम तो क्या बोल रहा है, रेशो ऑफ करंट इन द सीरीज टू द करंट ऑफ द पैरेलल रजिस्टर इन सीरीज, ठीक है। तो इसको अगर वी इक्वल टू आई आर होता है तो करंट का रेशो तो वी की जगह लगेगा, इसकी जगह तो फोर आर हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये तो आर अपॉन फोर हो जाएगा, इसमें तो गलती नहीं कर दी हमने, आर लिया तो फोर आर अपॉन आर, तो ठीक है, आर इक्वलेंट आर अपॉन फोर हो जाएगा, आर अपॉन फोर होना चाहिए ना, हमने ये क्या कर दिया, इसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे आर की जगह पे, आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर अपॉन फोर, आर अपॉन फोर रखेंगे, तो ठीक है, आर अपॉन फोर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी फोर वी हो जाएगा अपॉन आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो वी से वी कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं, अगर इस हिसाब से आंसर है, क्या पता इनका भी कोई आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि बार बार सोलह आ रहा है, ठीक है, देखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल नोन एज द डिप्लेट द ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर, तो ये क्या क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है, ठीक है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन ही क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है। अभी देखो, एक कॉइन है जो कि प्लेस होता है बॉटम ऑफ द टम्बल, हाइट 30 सेंटीमीटर की दी है, फिल्ड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दी गया है, एपरेंट डेप्थ पूछना है, डेप्थ पूछ रहा है। देखो, आपको मालूम है कि है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 हो गया, और हमारे पास क्या है, रियल डेप्थ, तो ये क्या हो गया, क्या पूछ रहा है, हमारे पास क्या दिया है, रियल डेप्थ कितनी दी है, हाँ, एक पॉइंट प्लेस द बॉटम में टम्बल द हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ, 30 सेंटीमीटर का दिया है। द एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ नीचे आती है, एपरेंट डेप्थ आपको निकालनी है, तो इसको हमने वाली आर दे दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, आर इजकल टू 30/33 कर देंगे, 1.33, ठीक है। तो 1.33 को लगभग इसको अगर करोगे आप, 1.3 से भी करोगे इसको, 1.3 से भी करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या करेगा, 13 दूनी 26, तो क्या बचा, 60, 13 दूनी 26 30 है ना ये, तो हमारे पास क्या बचेगा, 30 है ना, 26 है ना, 26, 13 दूनी 26 तो 4 बचेगा, ठीक है, 4 है, फिर जीरो लगाएंगे, 13 3 39, 13 26 13 39, 10 में से 6 गई तो 4, 23 पॉइंट समथिंग कुछ हो रहा है क्या, लगभग भी हमें मान के चलेंगे तो वो 22 के समथिंग ही होगा, वरना आप इसको परफेक्टली भी डिवाइड दोगे ना, मैंने परफेक्टली नहीं दिया था। देखो, अगर आप ऐसे भी करोगे ना, 3 और 3 6 1 7, चलो इसको करना ही पड़ेगा फिर, तो अगर हम इसको कर भी लेंगे, 30 से डिवाइड करना है 1.33, तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट, चलो दो पॉइंट तक ही कर ले, तो ये क्या आएगा, हमने 2000 कर लिया, दो जीरो और हमने लगा दिया, 1300 को 133 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा। देखो, मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। देखो, 30 डिवाइडेड बाय 1.33,
मतलब क्या हो रहा है, वो 23 की समथिंग ही था ना, इसी वजह से 22.1, तो वो क्या हुआ उसको 23 ही मान लो, तो इसलिए मेरा जो 23 आ रहा था ना, और कोई ऑप्शन क्लोज भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना पॉइंट को अपन लेके क्या चलेंगे, 1.3 को 23 से कभी 13 दूनी 26 आ रहा है, ठीक है, 13 दूनी 26 है, फिर 4 बचेगा, 13 3 39 है, तो 23 से इसी वजह से अप्रोक्स ना लेते हुए हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। होमोगोलस ऑफ इथोनल, इथोनगल में होमोलगस क्या है, मीथोनल है, मीथोनल है, क्यों है मीथोनल, इसका होमोगलस क्या पूछना चाह रहा है, ओएल, ओएल क्या है, देखो होमोगलस सीरीज की एक प्रॉब्लम होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और उनका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो यहाँ पर क्या ओएल है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसका होमोगलस हो जाएगा मीथोनल, इथोनल का होमोगलस क्या हो जाएगा, मीथोनल। होमोगलस सीरीज कलेक्शन ऑफ सब्सटेंस है कॉमन जेनरिक फॉर्मूला रिलेटेड टू द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एस द एटॉमिक मास ऑफ सीरीज इज इंक्रीज द फिजिकल कैरेक्टर, एल्कोहल इज द ग्रुप जैसे ओ एच है, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है मीथोनल है, ओ एच है, मतलब जो सेम मीथोनल इज प्रीवियस द होमोगलस द इथोनल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम हो रहा है। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द यूनिट वोल्ट पर यूनिट, तो आपको मालूम है कि वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, वी इक्वल टू आई आर होता है, हमको क्या करना है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एम्पियर हो गया, वोल्ट पर एम्पियर क्या हो रहा है हमारा, रेजिस्टेंस, क्या हो रहा है हमारा, रेजिस्टेंस। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे, इसका कोई सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसमें काम गलती कर रहे हैं, एक बार आप भी ट्राई करना, मुझे कमेंट जरूर करना है इसका, ठीक है आंसर, तो मैं थोड़ा उस पर देखूंगा, क्योंकि फिर क्या है वीडियो में रुक के तो दिक्कत होती है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। चलो एक आध क्वेश्चन मेरे से गलती हो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, पर बाकी क्वेश्चन तो आप ये मत देखो कि एम्पायर के, ये तो देखो 100 डिसीजन सही दे रहा है, एक गलत दे दिया, तो ऐसा नहीं कि एक डिसीजन पर ही हमको अड़े रहना है, तो इसी बात को आप याद रखना है कि हमसे गलती होती है, हमारे पेरेंट्स से गलती होती है, टीचर से भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, ठीक है, इसलिए तो हम सीखने आए हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।